हर हर महादेव। केदारनाथ धाम लेटेस्ट वेदर अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं आपको उत्तराखंड के मानसून का अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि उत्तराखंड के मानसून का एक नया अपडेट न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सितंबर का महीना ख़त्म हो रहा है और एक दिन के बाद अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन जो मानसून है, मानसून अभी तक गया नहीं है। कंटिन्यू बारिश पड़ रही है रुक रुक के, जिसकी वजह से लोग जगह जगह फंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि यात्रा नहीं हो रही है, यात्रा हो रही है, लोग आ रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ इस समय यात्रा पर हो चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। तो एक न्यूज़पेपर में अपडेट आया है जिसे मानसून को लेके अपडेट बताया गया है, साथ ही साथ मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा और इसके साथ साथ हम देखेंगे आखिर ये जो मानसून है केदारनाथ धाम में कब ख़त्म होने वाला है, और जो आपकी अक्टूबर की यात्रा है क्या उसमें भी आपको बारिश मिलने वाली है या नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए ये अपडेट है, आकलन उत्तराखंड में इस बार लंबा खींच सकता है मानसून। उत्तराखंड में गत वर्ष की तरह इस बार भी मानसून लंबा खींच सकता है। प्रदेश में सामान्य तौर पर मानसून 30 सितंबर तक विदा हो जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने फिलहाल 1 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में पिछले साल मानसून 6 अक्टूबर को विदा हुआ था। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न इलाकों में 26 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान से एक हफ्ते या 10 दिन बाद उत्तराखंड में मानसून विदा होता है। ऐसे में संभावना है कि यहाँ से मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह तक विदा होगा। तो अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको बारिश मिले। अब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे कि आखिर जो ये बारिश है ये कब ख़त्म होने वाली है। यहाँ देखिए मैंने फिलहाल गूगल पे आगे केदारनाथ वेदर लिखा है, इस पर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। हम इसी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करते हैं और इसमें हम मंथली का देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं मंथली का लेता हूँ और यहाँ से हम अक्टूबर कर लेते हैं, क्योंकि अब तो अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। और यहाँ देखिए 30 सितंबर में तो देखिए यहाँ धूप है, लेकिन 1 तारीख में यहाँ मौसम बिगड़ा हुआ है, 2 तारीख में मौसम बिगड़ा हुआ है, उसके बाद धूप और बादल आपको मिलने वाली है, लेकिन 13 तारीख में यहाँ देखिए स्नोफॉल का अपडेट है। साथ ही साथ आप यहाँ का टेम्परेचर भी देखिए, 11 डिग्री और 2 डिग्री, और 2 तारीख को तो देखिए 0 डिग्री है और 3 तारीख को तो -2 डिग्री है। तो ठंड तो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। और जैसे कि मान लिया मुझे जाना है 22 तारीख में, मैं हरिद्वार से निकलूंगा, लेकिन 23 तारीख में मेरा केदारनाथ धाम है, और यहाँ देखिए 5 डिग्री और -6 डिग्री, यानी जिस दिन मैं वहाँ पर होऊंगा उस दिन अच्छी खासी ठंड वहाँ पड़ने वाली है। -6 डिग्री की ठंड वहाँ पर होगी। हालांकि ठंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेन तो मुझे मतलब है कि बस भोलेनाथ के वहाँ दर्शन हो जाए। बाकी अक्टूबर में आपको बारिश कम मिलेगी, लेकिन ठंड आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। तो अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं तो वेदर का अपडेट मैंने आपको दे दिया। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।